हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशांत की मौत को 100 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। 21 दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी हत्या वाले एंगल में सीबीआई के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। जांच की दिशा भी भटकती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की जांच की ओर बढ़ गई है जो जांच की दिशा है। रोज बड़े बड़े सितारों की एनसीबी ऑफिस में परेड कराई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि सुशांत की हत्या हुई थी या आत्महत्या। परिवार के वकील विकास सिंह सीधा आरोप लगा चुके हैं कि सीबीआई जांच में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस बीच खुलासा यह हुआ है कि सीबीआई सुशांत के परिवार से एक बार फिर पूछताछ करेगी, यानी जो पूरा मामला है वो एक बार फिर हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कह दिया है सीबीआई ने या ये मान लिया है कि ये हत्या नहीं है, तो अब आत्महत्या के एंगल पर जांच आगे बढ़ेगी। बॉलीवुड की अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शर्लिन, अब परिवार से एक और राउंड पूछताछ होगी। ये जो पूरा मामला है हत्या और आत्महत्या, ये तो साफ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ड्रग्स केस सामने आ गया। तमाम बड़ी अभिनेत्रियां बॉलीवुड, उनकी हमने परेड भी देख ली एनसीबी दफ्तर में, लेकिन जो मूलभूत सवाल था कि सुशांत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, वो कहीं खो सा गया है। सारा देश ये जानता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, सुशांत की हत्या की गई थी। और मेरा ये मानना है कि सुशांत के हथियारों का गहरा ताल्लुक है बॉलीवुड के ड्रग कार्टल के साथ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूं एनसीबी का, जो वो जुड़ गई है बॉलीवुड स्वच्छ अभियान के साथ। हम देख रहे हैं कि हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि किस बुरी तरह से बॉलीवुड में ड्रग का नेक्सस फैला हुआ है। किंग पिंस हैं, पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। मैं चाह रही हूं कि बहुत जल्द बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए, क्योंकि जब उनके नाम सामने आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह के हथियारे कौन हैं। देखिए, जून 8 की रात को जो पार्टी, हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में नशीली पदार्थों का सेवन क्या किया गया था या नहीं, ये जानकारी सीबीआई के पास है। उस पार्टी में शर्लिन, दिशा जी ने पूरे मामले में, एक मिनट शर्लिन, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि बॉलीवुड की सफाई होना बहुत जरूरी है। शर्लिन सुन लीजिए, आपने कहा कि बॉलीवुड की सफाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मृत आत्मा कीचड़ उनकी ओर भी उछल रही है? ये हर जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा भी किया जाता था। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड पहले से बदनाम था, अब बॉलीवुड को स्वच्छ किया जा रहा है। यदि बॉलीवुड स्वच्छ हो रहा है तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? अगर स्वच्छ हो रहा है तो होने देना। अगर कचरा और गंदगी को साफ किया जा रहा है तो होने देना, क्या दिक्कत है? लेकिन शर्लिन, सवाल यही उठ रहा है ना कि बॉलीवुड दो ब्रिगेड्स में बट गया है। एक वो ब्रिगेड जिसमें ए प्लस यानी ए क्लास स्टार्स हैं, दूसरा ब्रिगेड वो जो वो उतने सफल नहीं है, और जो गंदगी साफ करने की बात की जा रही है वो दूसरी ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। जो बड़े स्टार्स हैं वो कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है ये कहने के लिए कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। इसकी क्या वजह देखती हैं आप? आपने सही कहा, दो कैंप्स हैं, दो ब्रिगेड्स हैं, एक नशेड़ी कैंप है और एक नॉन नशेड़ी कैंप है। नॉन नशेड़ी कैंप वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है एनसीबी की जांच से, लेकिन नशेड़ी कैंप वालों को बहुत 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 असुविधा हो रही है इस बात को लेकर कि रोज एनसीबी नए खुलासे कर रही है, रोज नशेड़ी गैंग के मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड की सफाई ना हो। वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग नेक्सस फैला हुआ है ये इसी तरह हमेशा बॉलीवुड में मौजूद रहे, ताकि उनको आसानी से चलें। इस पॉइंट पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दो ब्रिगेड्स बटी हुई जरूर है, नाम भले ही बड़े स्टार्स का है, लेकिन टीवी स्टार्स का भी नाम आ रहा है सामने, तो ऐसा नहीं है कि जो सफल है सिर्फ वही ड्रग्स ले रहे। मैडम मैडम आप ये बताइए, सबसे पहले मैडम आप ये बताइए, क्या आप चाहती हैं या नहीं
कि बॉलीवुड स्वच्छ बने, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैडम ना मेरे चाहने से कुछ होगा ना आपके चाहने से कुछ होगा। जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस पूरे मौके को एक अवसर की तरह देख रहे हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं था वो अब आके टीवी पर बैठकर अपनी राय दे रहे हैं। मैडम देश के युवा पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है ड्रग्स। तो आप लोग अभी तक निकलकर सामने क्यों नहीं आई थी? आपने आज आके डिप्रेशन के नारे लगा रहे हैं। शर्लेन आपने आज आके आवाज उठाई कि स्टार्स की बीवियां, क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती हैं। कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। देश की युवा ये देखकर क्या समझेगी? मैडम देश की युवा को लगेगा कि अच्छा यदि कोई डिप्रेशन का शिकार हो इसका मतलब माल का। अरे सुन लीजिए आप शर्लिन, आपने ये खुलासा आज आके किया। शर्लिन आप आज आके ये खुलासा कर रही हैं अब से 4 से 5 दिन पहले कि स्टार्स की बीवियां और क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती थी। आप क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? आपने क्या अपनी जिम्मेदारी समझी? आज आप तमाम ब्रिगेड कर बैठकर उंगली उठा रही हैं। आपने खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुनिए मैडम सुनिए। अब क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस जांच के साथ जुड़ी है, बॉलीवुड स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, अब जाकर मैडम हिम्मत पैदा हुई है वो सारी बातें बताने में जो मैंने इतनी अबला सबला नारी आप नहीं है शर्लिन चोपड़ा, ये आप भी बहुत बेहतरीन से जानती हैं। पूछते हैं आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैडम पहले हिम्मत नहीं थी? क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं शर्लिन चोपड़ा, आप इतनी अबला सबला नारी नहीं रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो मेरा करियर क्योंकि आपको और फिल्मों के ऑफर्स मिले इसलिए तमाम वो सितारे सामने नहीं आए। आप ये बोल रही हैं शर्लिन, आपने बहुत देरी कर दी शर्लिन। आप जैसे बॉलीवुड के तमाम वो स्टार्स, टीवी इंडस्ट्री के वो स्टार्स जो सामने आ सकते थे और इस गंदगी की शिकायत एनसीबी से कर सकते थे। अब जाकर एनसीबी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है आप शर्लिन। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए। शर्लिन आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और आप जैसे तमाम वो कलाकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं जिन्होंने पहले अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए ये पूरा मामला एनसीबी में दर्ज नहीं कराया, पुलिस में दर्ज नहीं कराया। एनसीबी से बुलावा आएगा मैं जाऊंगी, ईश्वर को साक्षी मानकर जो जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, वो सारी बातें सामने रखूंगी। मैडम आप ये नहीं कह सकते, कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रही हूँ? पहले हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत है, आज हिम्मत आई है क्योंकि एनसीबी जुड़ी है स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ। एनसीबी जुड़ी है, पहले हिम्मत नहीं थी। जिन लोगों के नाम जुड़े हैं स्कैंडल के साथ वो बहुत बड़ा नाम है, सुपरस्टार है, वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं तो मेरा करियर बर्बाद कर सकते हैं, मुझे खत्म कर सकते हैं। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है और मैडम आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए। ये नहीं बोलिए, अरे नाम बोलिए ना, नाम बोलिए ना, जिन स्टार्स की बीवियों की बात कर रही हूँ बीवियों के नाम लीजिए, हिम्मत दिखाइए एबीपी न्यूज के इस मंच पर, हिम्मत दिखाइए शर्लिन चोपड़ा, नाम लीजिए शर्लिन चोपड़ा, नाम लीजिए उन स्टार्स की बीवियों के, हिम्मत दिखाइए। अगर अब हिम्मत आ गई है आप में तो, आप में हिम्मत आ गई है ना, आप ये कह रही हैं, लीजिए नाम, हिम्मत जुटाकर ये सारी बातें आपके सामने रख रही हूँ। नाम लीजिए, एक सेकेंड शर्लिन चोपड़ा, नाम लीजिए। 2017 तक एक चेन स्मोकर हुआ करती थी, अक्टूबर 2017 में मैंने चेन स्मोकिंग गिव अप कर दी। नाम लीजिए, समझिए आप कह रही हैं ना, आप में हिम्मत आ गई है, नाम लीजिए शर्लिन। पूछिए किसी चेन स्मोकर से क्या स्मोकिंग गिव अप करना आसान होता है, वो कहेगा नहीं शर्लिन, स्मोकिंग गिव अप करना असंभव होता है चेन स्मोकर के लिए। मैंने किया है मैडम, मैंने किया है और आज मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने क्या किया है, देश के युवा ये समझ लें कि स्मोकिंग करना कूल नहीं होता, माल का सेवन करना शर्लिन आप मेरे सवालों के जवाब देना चाहती हैं तो दीजिए, तरीका नहीं है जीने का, कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कब सिगरेट पीती थी, कब नहीं पीती थी, आप चेन स्मोकर थी नहीं थी, आप इस अगर इतना बड़ा दावा कर रही हैं एबीपी न्यूज नेशनल चैनल पर बैठकर, आप ड्रग कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, ये गलत है। पार्टी करना है तो पार्टी करो, आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। नाम बोलिए ना शर्लिन चोपड़ा, जरूरी नहीं शर्लिन चोपड़ा, नाम लीजिए ना, हिम्मत आ गई है तो। क्यों बातों को घुमा रही है, क्यों आपदा को अवसर बना रही है अपने लिए, इसी बहाने आप टीवी चैनल में दिखने लगी है। नाम लीजिए ना, एनसीबी नहीं है, मैंने कहा कि जब कभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जब मैं एनसीबी हुई नहीं तो आपने मेरे मंच का इस्तेमाल क्यों किया उन स्टार्स की पत्नियों और क्रिकेटर्स की पत्नियों के बारे में बात करने का? एनसीबी के सामने अगर आप मीडिया को इतना ताकतवर मानती नहीं है शर्लिन, अगर आप
आप बात घुमा रहे हैं। अगर आप एक मीडिया को इतना ताकतवर मंच मानती ही नहीं है, शर्लिन असलियत यह है कि आप इस पूरे अवसर में सुशांत की पूरी मौत के जो मौका है उसको अवसर की तरह देख रही हैं और टीवी पे आने का ये मौका आप अपने लिए बना रहे हैं।